उपेंद्र कुशवाहा समय दर समय बिहार जेडीयू के लिए आफत बनते जा रहे हैं। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने जेडीयू के वैसे कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, उन्हें पत्र लिखकर 19 और 20 फरवरी को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मनन करेंगे। देखिए, जो बात हम कहना चाहते हैं वह तो पत्र में साफ साफ हमने लिख दी है। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने लगातार कहा है कि लोगों के मन में, आम जनता के मन में भी और पार्टी के साथियों के मन में भी जबरदस्त कन्फ्यूजन इस बात का है कि आरजेडी की ओर से जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है गठबंधन बनाते समय, वह डील आखिर है क्या? अगर है डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, और नहीं डील है तो इस बात का खंडन हो कि आरजेडी के लोग गलत बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले को लेकर पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालत ये है कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। मीडिया के समक्ष कुशवाहा पर तीखी टिप्पणी करने के बजाय पार्टी में कुशवाहा की अहमियत याद दिलाने लगे हैं। कर रहे हैं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा की बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा की बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले पर जेडीयू की चिंता साफ रूप से दिख रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका मिल गया है। जेडीयू में पड़ती दरार को बीजेपी का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी के अंदर में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने उपेक्षा के, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के, पार्टी की कमजोर हो रही उसको मजबूत बनाने के लिए। और उन्होंने ये साफ किया है कि राजद के साने जाने साथ पार्टी अपनी खोई हुई जनाधार, अपनी जनाधार को खो रही है, उसको कैसे मजबूत कर सके, और राजद के साथ कौन कौन से डील हुए हैं, तरह तरह की बातें मार्केट में आ रही है। कभी तेजस्वी की ताजपोशी की बात आ रही है, कभी विलय की बात आ रही है। उन सवालों को लेकर करके वो चिंतन और मंथन के लिए बैठक रखे हैं। जेडीयू को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की ये बैठक सफल हुई तो ये पार्टी के लिए कोलेट्रल डैमेज साबित होगा। कुशवाहा के इस बगावती तेवर से फायदा किस किस को होगा ये समय बताएगा, लेकिन नुकसान साफ रूप से संयुक्त रूप से बैठी जेडीयू का है। बिहार जदयू में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और जदयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 तारीख को पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। अब इसे लेकर जहां बिहार में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ऊपर तंज कसती है, वहीं यह भी कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ उन तमाम नेताओं को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, जो अधिकार उन्हें जदयू ने ही दिया है। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में वाकई उपेंद्र कुशवाहा जदयू की नैया को डुबोएंगे? पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।